तो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और सभी सब्सक्राइबर्स को। आज मैं आप सभी को एक ऐसे किले का भ्रमण कराने जा रहा हूं जिसे हम देवगढ़ यानी पथरीगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। यह किला घने जंगल और विशाल पर्वतों के बीच एक विशाल पर्वत पर निर्मित किया गया था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और आप सभी हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम किले के एक बड़े से दरवाजे की ओर आ पहुंचे हैं। देवगढ़ का यह दुर्ग ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ग्वालियर से पूर्व दिशा में सिंध नदी के समीप पथरीली जंगलों पहाड़ों पर बीहड़ों में यह किला स्थित है। यह किला ग्वालियर शहर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के इलाके को 12वीं से 13वीं सदी में परमार घार के नाम से जाना जाता था। इस किले के साम्राज्य के अंतर्गत करैरा, जो शिवपुरी जिले में स्थित है, और पवाया, जो ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इनके अलावा कोंच जगमनपुर उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र इस परमार घार के अंतर्गत आते थे। 13वीं सदी के मध्य में इस किले पर पुण्यपाल परमार पवाया का शासन था। इनके ही एक वंशज देवी सिंह परमार ने 14वीं सदी के मध्य में इस दुर्ग देवगढ़ की नींव रखी थी। देवगढ़ दुर्ग के पास ही 3 किलोमीटर के फासले पर रतनगढ़ का दुर्ग था। इसके नष्ट हो जाने पर ही देवगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया गया था। इस किले से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता रतनगढ़ वाली का मंदिर है, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड कुछ दिनों पहले हो चुका है, जिसका इतिहास आप उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। किंवदंती थी कि देवगढ़ के समीप जो रतनगढ़ का किला था, उसे अलाउद्दीन खिलजी ने गिरवा दिया था। देवगढ़ और रतनगढ़ का किला समीप थे और एक ही परमार परिवार के थे। इस समय देखने पर रतनगढ़ के किले का कोई अवशेष हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम किले की अत्यधिक ऊंचाई को चढ़ने के बाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, जिसके माध्यम से हम किले के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। देवगढ़ के इस किले पर 4000 पैदल सैनिक मुगल काल में रखे जाते थे। इसमें दो बातें तो साफ हैं कि एक तो परमारों के बाद मुगलों का भी इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था, और दूसरी सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का काफी महत्व था। यह स्थान उवड़ खावड़ जंगलों में स्थित है। इस कारण से ये हिंसक जानवरों, लुटेरों और डाकुओं के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यह किला डाकूग्रस्त क्षेत्र होने के कारण शोध दृष्टि से दूर रहा है। यह किला इस क्षेत्र में पथरीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पथरीला क्षेत्र होने के कारण यह नाम स्थानीय नागरिकों द्वारा दिया गया है। देवगढ़ का यह किला विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला का दुर्ग है। इसी पर्वत श्रृंखला पर नरवर का भी विशाल दुर्ग बना हुआ है। आप सभी लोग वीडियो के पिछले भाग में देख ही चुके होंगे कि
देवगढ़ का यह किला एक गिरी दुर्ग है। इस किले पर चढ़ने का रास्ता सीधा है और दुर्ग के मुख्य दरवाजे को घुमावदार तरीके से दो दीवारों के बीच बनाया गया है। इसमें 26 बुर्ज हैं। बुर्जों का निर्माण दुर्गों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता था। अभी तक आप सभी मेरे साथ इस किले के इतिहास और किले के कुछ भागों को देख चुके हैं। अब हम किले के अन्य भागों को देखेंगे। अभी हम फिलहाल किले के सबसे ऊपरी भाग में हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किले का अधिकांशता भाग खंडर अवस्था में देखने को मिला है। किले के अंदर ही हमें एक तस्वीर देखने को मिली थी, जिस पर यह लिखा गया है कि यह इस किले की अंतिम वंशज थी। अब हम किले के दूसरे भाग में आ पहुंचे हैं, जहां पर इस किले के राजा किले के शासन संचालन और प्रजा की देखरेख की योजनाएं अपने संतरियों मंत्रियों के साथ बैठकर योजनाएं बनाया करते थे। अब हम सीढ़ियों के माध्यम से किले के ऊपरी भाग में आ चुके हैं, जहां से किले के इस भाग को आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। किले के प्रांगण में ही हमें एक विशाल बावड़ी भी देखने को मिली है, जहां पर इस किले के राजा स्नान किया करते थे और इसी बावड़ी में वर्षा का जल संरक्षित किया जाता था। यहीं पर हमें एक विशाल कुआं भी देखने को मिला है, जिसकी गहराई अत्यधिक देखने को मिली है। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि कुआं बहुत ही गहरा है, जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। तो अभी तक हम किले के संपूर्ण भाग की निगरानी कर चुके हैं और किले के अधिकांशता भागों को देख चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए तैयार जरूर रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।